हेलो गाइस, आज मैंने अपनी लंच बॉक्स में बनाया था बहुत ही टेस्टी क्लब सैंडविच। तो ये सब चीज़ें मैंने उसमें यूज़ की, मैं साथ साथ आपको बताऊंगी। ये पनीर के भी लंबे मतलब पतले पतले मैंने किए थे, शील्ड्स बनाई थी। और ये चीज़ स्लाइस है, सॉस है, आप देख सकते हो, मेयोनीज है। ये मैंने ना पुदीने की चटनी, मेरे पास टाइम नहीं था तो फटाफट से, मैंने मेरे पास बिंट मेयोनीज पड़ी हुई थी, ये भी पुदीने की मेयोनीज है, तो वही फ्लेवर था इसमें। बाकी टमाटर और ब्राउन ब्रेड मैंने लिया, बहुत ही टेस्टी बना था, आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। और फट बन गया था क्योंकि मुझे थोड़ी जल्दी थी, अब काम पर जाना था। तो आप भी लंच बॉक्स आइडिया अपने हस्बैंड के लिए, खुद भी अपने लिए बना सकते हैं। सबसे पहले ब्राउन ब्रेड के 2 स्लाइस लिए, ठीक है। उसके ऊपर बस अच्छे से मैंने, जो मेरे पास ये सॉस काफ़ी सारे पड़े थे, आपको पता है बाज़ार से पिज्ज़ा मंगवाओ, कुछ मंगवाओ, इस तरह स्प्रिंग रोल वगैरह ऑनलाइन आजकल आपको पता है ज़्यादातर सब मंगवाते, तो मैंने वही मंगवाया, तो कितने सारे पड़े हुए हैं। तो एक बार तो मैंने काम करने वाली को कितने सारे दिए, तो अब मैं कहा इनको यूज़ करती हूँ, ऐसे थोड़ा दे ही जाने हैं। और सॉस हमारे थी भी नहीं, तो इसको मैंने अच्छे से ना इस पर स्प्रेड कर दिए 3 सैशेस लेके, दोनों मतलब ब्राउन ब्रेड पे। और इसके बाद ये भी फ्रेंड्स, आपको पता डोमिनोज के साथ खूब सारा ये मिल जाता है ओरिगैनो, या आप अलग से भी खरीद सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो। ओरिगैनो बहुत अच्छा फ्लेवर लाता है इस सैंडविच में, एक बार ट्राई ज़रूर करना ये। और इसको फिर मैंने स्प्रिंकल कर दिया ब्रेड पे। बाकी ये चीज़ स्लाइस, एक इसमें 2 चीज़ स्लाइस आपको लगेंगे, मैंने 2 यूज़ किए, आप एक में भी बना सकते हो, ऐसी बात नहीं है। पहले उससे पहले बट हम ये जो हमने पनीर काटा था ना, और ये टमाटर पतला पतला, तो उसको फिर मैंने ऐसे उसके स्लाइसेस रख दिए। और ये चीज़ स्लाइस ना बाहर पड़ा रह गया था सुबह से, तो फिर मैंने इसको क्या किया, इसी के मतलब ऐसे निकल रहा था ना, वो अल्टीमेटली मेल्ट ही हमने इसको करना है हीट से, नहीं तो अगर फ्रिज में रखो तो साबुत निकलता, बट वो भी मेल्ट ही होता। तो बाकी ये रख के पर ऊपर मैंने प्याज रख दिया, टमाटर रख दिया, और मेरे पास पनीर जैसे कि मैंने बताया ये पड़ा था, तो इसको भी मैंने इसमें यूज़ कर लिया। और ये देखिए इस तरह से, फिर मैंने इसके ऊपर क्या किया कि जो होती है हमारी मेयोनीज, ये मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल की, तो आप देखते देख सकते हैं इस टाइप से था ये। तो एक ऑलमोस्ट मुझे एक पूरा टमाटो और आधा प्याज लगा था, और थोड़ा सा मैंने पनीर यूज़ किया था, बिकॉज मेरे पास पनीर पड़ा हुआ था, मुझे समझ नहीं आ रहा इसको यूज़ भी कैसे करूँ, तो मैंने इसी में यूज़ कर लिया। बस इसके ऊपर थोड़ी सी मेयोनीज स्प्रिंकल कर दी। अगर आपके पास चटनी है तो बहुत अच्छी बात है, उसका तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, ये भी बहुत अच्छी है वैसे, बट मेरे को भी पर्सनली पुदीने की चटनी ही पसंद है। करके दोबारा मैंने एक और चीज़ स्लाइस, क्योंकि मैंने सुबह से मतलब मैंने आज कुछ खा के तो जाना नहीं था, जल्दबाजी में मैंने ये पैक किया लंच के लिए, तो वहाँ गर्म रहता है, हमारे वहाँ ओवन है तो हम वहाँ रह के रख देते हैं काम पर। तो इसको बस हीट कर लिया, ये देखिए आप ग्रिल भी कर सकते हैं, तवे पर भी हीट कर सकते हैं। इस तरह से बना, बहुत टेस्टी बना था, और मैंने फट इसको पैक करके रख लिया, ये देखिए। तो ग्रिल मेरा बीच में लाइट चली गई, फिर मैंने इसको बाद में तवे पे किया, तो इस तरह से निकला ये। आप एक बार ट्राई ज़रूर करना, बहुत बहुत टेस्टी और बहुत स्वादिष्ट, बिल्कुल बाजार जैसा बना था, और फट बन गया घर की चीज़ों से। और आपको हमारी रेसिपीज़ कैसे लगती हैं, हमारे मेकअप के वीडियोज़ कैसे लगते हैं, ब्लॉग्स कैसे लगते हैं, कमेंट करके बताना। इसको इस रैपिंग पेपर में मैंने इसको कर लिया, मतलब कर लिया इस तरह से रैप, और फिर मैं अपने ले गई लंच में। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं, लंच बॉक्स आइडियाज़ में बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करना।